गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए। इसमें कल हमने पाठ 12 पढ़ा था, री की मात्रा, र रेफ की मात्रा और र पदेन की मात्रा। आज हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य अपनी किताब में करेंगे। आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। यहाँ आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उनको पहचानना है और उनका नाम आपको लिखना है। पहले चित्र में आपके ट्रक बन रहा है तो आप लिखिए ट्रक। दूसरे चित्र में आपके चक्र बन रहा है, इसमें आप लिखिए चक्र। तीसरे चित्र में सांप बन रहा है, सांप को हम सर्प भी कहते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे सर्प। अगला है सूरज, सूरज का चित्र बन रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य। अब आप दूसरे पेज पर आ जाइए, यहाँ आपके कांच बन रहा है, कांच को दर्पण भी कहते हैं तो आप इसमें लिखिए दर्पण। अगले में हिरण बन रहा है, हिरण को हम मृग भी कहते हैं तो आप इसे लिखिए मृग। अगला है राजा, राजा को नृप भी कहा जाता है तो लिखिए आप नृप। और ट्रक, ट्रक बन रहा है तो यहाँ लिखिए ट्रक। प्रश्न नंबर 2 है, सही वर्ण पर री, र रेफ अथवा र पदेन की मात्रा लगाइए। कृप कपा, इसमें आपको इन ऊपर वाले लाइन के शब्दों में आपको री की मात्रा लगानी है। क में री की मात्रा लगी तो क्री पा कृपा। नृप नृप, गह का लिखिए गृह गृह। मग मग का लिखिए मृग। कशक कशक का लिखिए कृषक। घणा घणा का लिखिए घृणा। इसके बाद आपके है बर्फ, इन शब्दों में आपके र रेफ की मात्रा लगेगी। बर्फ माग मार्ग। पर्स पर्स। बतन को लिखिए बर्तन। गम गर्म। धम धर्म। वर्षा वर्षा। यहाँ देखिए शब्द, जिस शब्द के ऊपर र रेफ की मात्रा लग रही है उससे पहले र की आवाज़ आ रही है। अब आपको यहाँ पे प पदेन की मात्रा लगानी है। प पदेन की मात्रा शब्द के साथ ही लगाई जाती है और उसी के साथ उसमें र की आवाज़ आती है। टक टक में ट्रक। भम भ में पदेन की मात्रा लगेगी तो बनेगा भ्रम। गह गह में पदेन की मात्रा लगी तो ग्रह। चक चक में प पदेन र पदेन की मात्रा लगी तो चक्र। गाम गाम में ग्राम। प्राण प्राण। फाक फाक का लिखिए फ्रॉक। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम का प्रथम वर्ण लिखकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ आपको चित्र दे रखे हैं और शब्द के पीछे के वर्ण लिख रखे हैं और हमें आगे का वर्ण लिखकर शब्द को पूरा करना है। मुर्गा, पहले चित्र में आपके मुर्गा बन रहा है तो गा आपके लिखा हुआ है, आगे आपको लिखना है मुँह मुर्गा। दूसरे चित्र में आपके फ्रॉक बन रही है तो आपको फ्रॉ लिखना है, क पीछे लिखा हुआ है फ्रॉक। अगला है दर्पण, प ण बना हुआ है तो आपको लिखना है द दर्पण। मग सॉरी हिरण बन रहा है, ग लिख रहा है आपके तो आपको यहाँ पे लिखना है मृग। अगले में आपके घर बन रहा है तो ह लिखा हुआ है तो आपको यहाँ लिखना है गृह गृह। अगला है प लिखा हुआ है, प पे रेफ की मात्रा लग रही है तो यहाँ लिखेंगे हम स सर्प। रिय बन रहा है यहाँ पे तो हम यहाँ लिखेंगे सु सूर्य। ट्रेन बन रही है और न लिखा हुआ है तो हम ट में प पदेन की मात्रा लगाएंगे और ट्रेन।
अब आप अपनी किताब का पेज पलट लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों को सही चित्रों से मिलाइए। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, उनको इनके चित्रों से आपको मिलाना है। ड्रम, ड्रम को ड्रम से मिलाइए। ट्रेन, ट्रेन को ट्रेन से मिलाइए। मृग, मृग को मृग से मिलाइए। सर्प, सर्प को सर्प से मिलाइए। ग्रह, ग्रह को ग्रह से मिलाइए। चक्र, चक्र को चक्र से मिलाइए। ट्रक, ट्रक को ट्रक से मिलाइए। आँख, आँख को आँख से मिलाइए। टॉर्च, टॉर्च को टॉर्च से मिलाइए। और नृप, नृप को नृप से मिलाइए। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्द सही मात्रा वाले घर में लिखिए। यहाँ आपको तीनों मात्राएं दे रखी है, री की मात्रा, पदेन की मात्रा। तो आपको शब्द चुनने हैं और सही बॉक्स में लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है।